अब कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल की बीवियों के पास आए। अच्छा देखो, रसूल की नेकी पूछना है तो रसूल की घरवाली से आके पूछ रहे हैं। भाई अल्लाह के रसूल की पब्लिक लाइफ सबको पता है, प्राइवेट लाइफ तो रसूल की बीवियों को पता होगी ना। तो अल्लाह के रसूल की अजवाज मुतहरात के पास आए और पूछा कि अल्लाह के रसूल घर में जब रहते हैं तो कितनी इबादत करते हैं, कितना रोजा रखते हैं, कितनी नमाज पढ़ते हैं। तो बीवियों ने बताया कि आप इतनी नमाज पढ़ते हैं, इतना रोजा रखते हैं, इतनी तिलावत करते हैं। तो उन सहाबा को अल्लाह के रसूल की इबादत कम लगी। गौर कीजिएगा, ये हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूं आपके सामने, बुखारी के अल्फाज। सहाबा को लगा कि बस अल्लाह के रसूल इतनी ही नमाज पढ़ते हैं, इतना ही रोजा रखते हैं, इतनी ही नेकी करते हैं। तो फिर सहाबा के दिमाग में ख्याल आया कि भाई अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शाए हैं, आप नेकी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, नेकी की जरूरत तो हम लोगों को है। तो उन तीन सहाबा ने अपने अपने तौर पर अपने दिमाग के हिसाब से, अपने गुमान के हिसाब से एक फैसला लिया। एक सहाबी ने कहा कि आज के बाद मैं रात भर तहज्जुद पढ़ूंगा, कंटिन्यू, रात में सोना नहीं है, सिर्फ तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह को राजी करना है। एक सहाबी ने कहा आज के बाद मैं रोजा कंटिन्यू रखूंगा, कभी गैपिंग नहीं करूंगा, डेली रोजा रखूंगा, कभी गैपिंग नहीं करूंगा, साल के 360 दिन रोजा रखूंगा। तीसरे सहाबी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, न शादी करूंगा, न बीवी आएगी, न बच्चे पैदा होंगे, न ये मुसीबतें आएंगी, न इनकी वजह से दुनिया भर के फितने में पड़ूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। अब ये तीनों सहाबी ने जो फैसला किया ये अपने गुमान के हिसाब से अल्लाह को राजी करने के लिए किया। जब अल्लाह के नबी को उन तीनों सहाबा के इस फैसले के बारे में मालूम हुआ, प्यारे नबी ने उन तीनों को बुलाया और पूछा कि क्या आप लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं? कहा हां अल्लाह के रसूल, ने ऐसा कहा है। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अमा इन्नी अक्षाकुम लिल्लाहि वात्ताकुम लहू, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, तुम में मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से खौफ खाने वाला हूं, लेकिन मैं रात में आराम भी करता हूं और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रोजा भी रहता हूं और मैं गैपिंग भी देता हूं, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता, और मैंने शादियां भी की हैं, मैंने निकाह भी किए हैं, और यही मेरा तरीका है और यही मेरी सुन्नत है। फमन रगीब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरा तरीका छोड़ दे, जो मेरे तरीके के अलावा कोई और तरीका अपना ले, उसका ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं है, वो रसूल के तरीके पे चलने वाला नहीं है। तो हमारे दीन ने मेरे भाई दीन और दुनिया दोनों के कॉम्बिनेशन को अपनाने का हो,